नमस्कार, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौर है और मैं एनआईए नंबर वन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इंग्लिश का फैकल्टी हूँ। आपको पता है कि इंग्लिश में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन पढ़ा, नाउन के प्रकार पढ़े, नाउन और नंबर पढ़े। नंबर मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल वाले नंबर, वचन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। और वीडियो स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो इंट्रोडक्शन ये है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोनाउन के डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोनाउन मीन्स द वर्ड विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ एक्चुअल नाउन्स। जनरली दिस इज डन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन अगेन एंड अगेन। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि सर्वनाम जो कि प्रोनाउन होता है वो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द का अर्थ क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बारे में बात करें तो मैं इंग्लिश में कुछ वाक्य बोलूंगा अपने लिए। शिवेंद्र इज अ फैकल्टी एट एनआईए। ही टीचेस इंग्लिश ओवर देयर। ही मेक्स वीडियोस फॉर यूट्यूब। अब इन तीन वाक्यों में मैंने पहले अपना नाम बताया शिवेंद्र, और सेकेंड वाले वाक्य में मैंने बताया ही, फिर से मैंने बताया ही। तो ही जो होता है वो होता है प्रोनाउन। हिंदी में हम लोग ही को बोलते हैं वह। अब हिंदी में जब ये वाक्य बोलते हैं तो इस प्रकार से होते हैं कि वह इंग्लिश पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, वह यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता है बनाते हैं। तो ये वह बार बार रिपीट हुआ है, ना कि शिवेंद्र नाम बार बार रिपीट हुआ। क्योंकि तो शिवेंद्र नाम को बार बार रिपीट करते हैं तो वो काफी इरिटेटिंग हो जाता है, इसलिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा के स्थान पर कैसे सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। हम लोग अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। प्रोनाउन इन पर्सन, सर्वनाम एवं पुरुष। तो देखिए, पुरुष सबको पता है कि क्या होता है। पुरुष जो होता है वो होता है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब मैं या हम जो भी बात कर रहा होता है वो। द्वितीय पुरुष जिससे आप सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, तुम या आप। और अन्य पुरुष की हम दोनों के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति हो, वह भी हो सकता है, राम श्याम भी हो सकता है, फलाना फलाना। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही शी दे और इट। इसमें मैंने एक नोट लिख रखा है कि ओल्ड टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स आर ऑल्सो थर्ड पर्सन लाइक राम श्याम क्लास टीम बॉय एक्सेट्रा। अभी जब मैं आपको अन्य पुरुष के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि तीसरा कोई भी व्यक्ति हो सकता है। पुरुष हम लोग यहाँ पे सर्वनाम के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये संज्ञा में भी आते हैं। ठीक है, अभी कैसे आते हैं वो थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। अभी हम लोग अगली स्लाइड पे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग केस के बारे में बात करेंगे। केस मतलब होता है कारक। केस ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के कारक। तो कारक आम तौर पर जो होते हैं वो तीन ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए पांच लिख रखे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने लिख रखा है, जो पुराने टाइप की ग्रामर हुआ करती थी, अभी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात नहीं करता हूँ, उसमें पांच ही प्रकार होते थे। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उसको तीन में ही कन्वर्ट कर लिया गया है, ये आपकी समझ के लिए है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, फिर ऑब्जेक्टिव केस है मतलब होता है कर्म, फिर रिलेटिव या पजेशन, पजेसिव केस भी कहते हैं, संबंध या स्वामित्व, फिर रिफ्लेक्सिव प्रतिबिंब, फिर एम्फेटिक प्रभाव। अब बेसिकली कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, संबंध क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग के तीन के बारे में बात करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में है, वही अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। क्रिया के जो पहले आगे की तरफ जो शब्द रखे जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कर्ता, और क्रिया के जो बाद में रखे जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कर्म। अगर किसी संज्ञा के आगे कोई सर्वनाम लगा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं संबंध सूचक। ये तीन प्रकार के होते हैं कारक। और आपको धीरे धीरे और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने सिर्फ जो चार्ट बनाया वो फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया। ये मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि जब पर्सन होते हैं तो आम वाक्यों में हम लोग 2-3-1 का यूज करते हैं, ग्रैटिट्यूड, या फिर हमने कोई गलती हो जाती है या पश्चाताप होता है तो ऐसे में हम लोग 1-2-3 का यूज करते हैं। ये 1-2-3, 2-3-1 क्या होता है छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल एक से अधिक लोगों के बारे में एक ही वाक्य में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आई एंड राम आर गोइंग टू मार्केट, तो ये वाक्य सुनने में सही लगता है लेकिन ये गलत होगा कि एक साधारण सा वाक्य है तो ये 231 की फॉर्म में होना चाहिए। 231 मतलब सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद, फर्स्ट पर्सन उसके बाद। आई और राम के अंदर राम जो है थर्ड पर्सन और आई जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये वाक्य कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था कि राम एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, है ना, आई एंड राम आर गोइंग टू मार्केट बोलना गलत होगा। तो ये पुरुष आपको काफी अच्छे समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, कर्ता के रूप में उसको हिंदी में बोलते हैं मैं। फिर ऑब्जेक्ट में आता है मी, उसका अर्थ होता है मुझे। माय का होता है मेरा, माई सेल्फ का होता है मैंने स्वयं ने, और माइन का होता है मेरा एक। उसी प्रकार वी जो होता है एक से अधिक व्यक्ति के लिए होता है, जिसका अर्थ होता है हम। फिर उसके बाद होता है उसका कर्म वाला जो कारक होता है वो होता है अस, हमें। फिर संबंध वाला होता है आर, हमारा, अवर भी बोलते हैं बहुत लोग इसको। रिफ्लेक्सिव में आता है आर सेल्स, अवर सेल्स, हमने स्वयं ने। और फिर होता है आर्स, हमारा एक। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स आई के अलग बता रखे हैं, वी के अलग बता रखे हैं, और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिलेटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, इन्फ्लेक्टिव केस को उन सबको बोल्ड कर कर अलग कलर से मैंने बता रखा है एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो आई एम गोइंग टू बाय यू अ वाटर बॉटल। तो देखिए आई एम एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके आगे आई आ रहा है, तो वर्ब के जो आगे की तरफ, पहले की तरफ कोई संज्ञा या सर्वनाम लगा हुआ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस। तो ये आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ही वॉज इन्वाइटेड बाय मी टू द पार्टी। तो इन्वाइटेड क्या है, वर्ब है, और उसके बाद में लगा हुआ है मी। तो जब भी वर्ब के बाद लगा रखा जाता है संज्ञा या सर्वनाम को तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। दिस इज माई बुक, प्लीज कीप इट इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब होता है प्रॉपरली रखना। तो दिस इज माई बुक। तो देखिए बुक क्या होती है, संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, कॉमन नाउन होती है। अब बुक के आगे लगा हुआ है माई, माई मतलब होता है मेरी किताब। तो जब भी हम लोग नाउन के आगे कोई सर्वनाम लगाते हैं तो हमेशा पजेसिव केस में होता है, पजेसिव या रिलेटिव केस में कह सकते हैं, जिससे संबंध स्थापित किया जाता है। आई कुक दिस डिश बाय माई सेल्फ। कभी कभी हम लोग क्या होता है, कुछ वाक्य इस प्रकार से बोलते थे कि यह डिश मैंने स्वयं ने बनाई है, चीजों को थोड़ा सा प्रभाव डालने के लिए। मैंने खुद ने बनाई भैया, विश्वास नहीं हो रहा कि आपको ऐसा। तो वैसे में हम लोग रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं, प्रतिबिंब का। ठीक है, देर इज ए पेन ऑन द फ्लोर, दैट पेन इज माइन। अब देखिए ये जो माइन है ये है प्रभाव, एम्फेटिक केस है। इसमें क्या होता है कि हम लोग उसमें नाउन का यूज नहीं करते हैं और ये जोर डालने के कहते हैं। तो देर इज ए पेन ऑन द फ्लोर, इसका अर्थ ये हो गया कि जमीन के ऊपर एक पेन है, दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरा है, जोड़ दिया मैंने उसे, मैं उसको छूना हूं बेसिकली। तो माइन के पीछे कभी भी नाउन नहीं लगाया जाता, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। अगर कभी भी माइन के पीछे या आप प्रभाव बताने वाले जितने भी कारक होते हैं जिसको हम लोग इफेक्टिक कहते हैं, उनके पीछे नाउन लगा हुआ हो तो वो गलत होगा, ध्यान रखिएगा इसको आप। फिर वी वाले एग्जाम्पल्स पे आते हैं। वी वर प्लेइंग वॉलीबॉल, वर जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे वी आया, हम आया, वो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। दे कॉल्ड अस ऑन आर होटेल, होटेल्स इनोग्रेशन, वाक्य थोड़ा सा गलत है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, बट इसका तात्पर्य जो निकल रहा है वो है कि इन्होंने हमें बुलाया था हमारे होटेल के इनोग्रेशन पे, बुलाया था, कॉल टेलीफोन कॉल हो सकता है ये, लेकिन आप तो जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि कॉल्ड के बाद अस आया, जो कॉल्ड क्या है, वर्ब है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब के बाद जो आएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस अस। दिस इज आर रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट क्या है, रेस्टोरेंट जो है वो नाउन है और उसके आगे हम लोगों ने आर लगाया है, आर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर संबंध, यह हमारा रेस्टोरेंट है। दैट प्रोजेक्ट वॉज रिजेक्टेड बाय आर सेल्फ, वह प्रोजेक्ट हमारे द्वारा खारिज किया गया था, हमारे स्वयं के द्वारा भी बोल सकते हैं, हमारे द्वारा भी बोल सकते हैं, आर सेल्फ। राम वॉज लुकिंग फॉर द ऑनर ऑफ रेड कार, दैट कार इज आर्स। राम एक लाल कार के ऑनर को ढूंढ रहा था और वह कार हमारी है, हमारी एक है, जोड़ देने के लिए हमारी है। तो ये केसेस होते हैं, ये आपको काफी अच्छे समझ में आना चाहिए। अगर आपको सर्वनाम के केसेस पता होंगे तो आप गलतियां कम करोगे। फॉर एग्जाम्पल वर्ब के बाद कभी भी हम लोग सब्जेक्टिव केस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल गिव आई अ ग्लास ऑफ वाटर नहीं बोला जाएगा,
अब गिव क्या है, वर्ब है, तो गिव के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके वापस से देखिए। अभी मैं आपको सेकेंड पर्सन की ओर ले जाता हूँ। सेकेंड पर्सन में आता है हमारे पास यू। यू को आमतौर पर तुम कहा जाता है, और मैं समझाना चाहता हूँ कि यू का यहाँ पे जो तात्पर्य वो आपके सेंस में भी होता है। तो सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यू होता है, रिलेटिव में होता है योर, रिफ्लेक्सिव में होता है योर सेल्फ, और इम्फेटिक में होता है योर्स। अब यहाँ पे आप ये सोच रहेंगे कि सब्जेक्टिव केस में भैया यू है और ऑब्जेक्टिव केस में यू है। तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, अगर क्रिया के आगे आएगा तो वो क्या आएगा, करता आएगा, और क्रिया के पीछे आएगा तो क्या आएगा, कर्म आएगा। तो पोजीशन से आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार का केस है, क्या ये सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है। हाँ, दोनों जो है वो सेम है, नो डाउट। एग्जाम्पल देखें, यू आर मोस्ट वेलकम एट माई होम। ही हैज आस्क्ड यू अबाउट योर प्रोफेशन। राम वॉज लुकिंग फॉर योर एड्रेस। गिव योर सेल्फ सम रेस्ट, दिस पेन इज योर्स। इस वाले सेकेंड पर्सन के अंदर मैं नहीं, मैंने मतलब इंटेंशनली इसके अंदर हाईलाइट नहीं किया है कि कौन सा किस प्रकार से सर्वनाम यूज हुआ है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन पांचों वाक्यों में पहले वाक्य में जो यू है वो कौन सा केस है, सेकंड वाले में यू कौन सा केस है, थर्ड वाले में योर जो है कौन सा केस है। योर, योर सेल्फ और योर सिंपल ही होता है, स्टार्टिंग में दो ही आपको बताना है होंगे। ठीक है, अगली स्लाइड बढ़ते हैं, इसमें हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। थर्ड पर्सन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग मतलब आता है कि हम, मेरे अलावा, सामने वाले के अलावा अन्य बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अन्य पुरुष के रूप में आते हैं। तो इसमें हम लोग वह के बारे में बात करेंगे। अब वह जो होता है वो महिला के लिए भी यूज होता है, पुरुष के लिए भी होता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए भी होता है ना। तो महिलाओं के लिए हिंदी में भी वह यूज करते हैं, पुरुष के लिए भी हिंदी में वह यूज करते हैं, और न्यूट्रल जेंडर के लिए वह यूज करते हैं। लेकिन हिंदी में हम लोग मात्राओं का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह मार्केट जा रहा है, वह मार्केट जा रही है ना। इंग्लिश में हम लोग क्या यूज करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हम लोग शी और ही का यूज करते हैं। तो शी जो होता है वो होता है फीमेल के लिए, और ही जो होता है वो होता है मेल के लिए। और जिन चीजों का हमें जेंडर नहीं पता होता है, भले वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, जानवर हो गए, या छोटे बच्चे हो गए, उनके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। और उनके केसेस के बारे में देखते हैं हम लोग स्लाइड में। तो शी जो होता है वो वह होता है, उसका अर्थ वो महिला की यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, उसका रिलेटिव केस भी होता है हर, रिफ्लेक्सिव होता है हर सेल्फ, और इम्फेटिक होता है हर्स। अब यहाँ पर भी देखने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव केस और रिलेटिव केस जो है वो सेम है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर क्रिया के बाद आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, और संज्ञा के अगर वो पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, वो संबंध कारक हो जाएगा। आई होप सो आपको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पुरुषों के लिए। तो वह जो पुरुष के लिए यूज करते हैं हम लोग करते हैं ही। ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज करते हैं हिम, उसका अर्थ होता है उसे, फिर होता है हिस, उसका, रिफ्लेक्सिव होता है हिमसेल्फ, उसने, स्वयं ने, और प्रभाव। देखो भैया, पुरुषों का प्रभाव नहीं होता है ना, मतलब ये नहीं है कि प्रभाव नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में बनाया नहीं गया है कि प्रभाव, हम लोग हिस नहीं बोलते उसको, HIS नहीं कहा जाता उसको। ठीक है, फिर वही बात करते हैं, हम लोग न्यूट्रल जेंडर लिखा हुआ है मैंने, छोटे बच्चे तथा जानवर, साथ ही साथ ये जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आ जाएगा। तो इट वह के लिए, ऑब्जेक्टिव केस भी जो होता है इसका इट ही होता है। वही बात, अगर घूम फिर के क्रिया के आगे आया तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, और क्रिया के बाद आया तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस। रिलेटिव हो जाएगा इट्स, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इट सेल्फ। और देखो, जब पुरुषों का प्रभाव नहीं होता तो न्यूट्रल जेंडर का तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग एक से अधिक अन्य व्यक्तियों के लिए। तो हम लोग यूज करते हैं वे हिंदी में, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं देव। फिर उन्हें के लिए हम लोग यूज करते हैं देम, जो कि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। देयर हो जाएगा उनका, देमसेल्व्स हो जाएगा उन्होंने, स्वयं ने, एम्फेटिक हो जाएगा। हाँ, एक से अधिक जब पुरुष हो जाते हैं तो प्रभाव बढ़ जाता है ना, लेकिन सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, सभी के लिए, महिला भी हो सकती है इसमें। तो सिर्फ समझाने के लिए था, देयर्स मतलब होता है उनका एक। ठीक है, देखने वाली बात यह है, आप थोड़ा सा नोटिस करिए, मैं वापस से थोड़ा बैक जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा रिफ्लेक्सिव के ऊपर। जब रिफ्लेक्सिव यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन देखा था, तो वो रिलेटिव रिलेटिव केस से बन रहा था, माई सेल्फ, आर सेल्फ। ठीक है, और यहाँ पर भी सेकंड पर्सन में वो क्या हो रहा था, रिलेटिव केस से बन रहा था रिफ्लेक्सिव वाला, योर सेल्फ। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस से बन रहा है, हर सेल्फ जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस का, हिमसेल्फ है ऑब्जेक्टिव केस का, इट सेल्फ है ऑब्जेक्टिव केस का, और देम सेल्फ भी है ऑब्जेक्टिव केस का।
ऐसा नहीं कि आप इसको रट्टा मार ले, बिल्कुल भी रिलेटिव वाला जो है वही हमेशा बनता है, जैसे माई सेल्फ हो गया, है ना, आर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ये है। लेकिन जब थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव केस जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस से बनेगा उन्हीं के, ध्यान रहेगा आपको। इन सभी के एग्जाम्पल्स के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल का चार्ट कुछ इस प्रकार, स्लाइड इस प्रकार से, शी इज डांसिंग ऑन द लेटेस्ट ट्रैक। अब डांसिंग के आगे लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, दे वर आस्किंग हर अबाउट हर मार्क्स, आस्किंग के बाद लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, हर हैंकी वॉज फॉलन ऑन द फ्लोर। देखिए मैंने यहाँ पर जो आपका पजेसिव केस जो लिखा हुआ है उनकी पोजिशंस अलग अलग जगह लिखी हुई, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। नहीं, अगर वो नाउन के पहले लिखा हुआ है तो वो कौन सा रहेगा, रिलेटिव केस या पजेसिव केस या संबंध सूचक कहा जाएगा, संबंध कारक कहा जाएगा उसे। तो हर हैंकी, हैंकी क्या होता है, रुमाल, और रुमाल क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, तो उसका रुमाल, ठीक है, वॉज फॉल ऑन द फ्लोर, जमीन पर गिरा हुआ था, बहुत सारी मूवीज में होता है ऐसा। तो यहाँ पर हर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पजेसिव केस हो जाएगा। शी हैज सर्च्ड हर ग्रूम बाय हरसेल्फ, उसने अपना दूल्हा, ग्रूम मतलब दूल्हा, अब खुद ने स्वयं ने ढूंढा है। दिस बाइसाइकिल इज हर्स, यह जो साइकिल है वो उसकी एक है, जोड़ देने के लिए हर्स बोलते हैं हम लोग। फिर हम लोग पुरुषों पे आते हैं, ही ब्लैक वाला, तो ही वॉज प्लकिंग द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, ठीक है, तो वॉज के पहले आ रहा है तो ही वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। प्लीज गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हिज नेम वॉज टेकन बाय मेनी पीपल ऑन टॉल टैक्स, होता है ये, एंड लड़कों के साथ ज्यादा ही होता है, किसी नाम जो है लिया जाता है, टोल फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है हिज नेम, नेम क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा हो जाएगी, और नेम क्या लिखा हुआ है, हिज नेम, उसका नाम, तो यहाँ पर आगे की पोजिशन की वजह से नहीं हो रहा है, वो संज्ञा के आगे रखा हुआ है, इसलिए वो पॉजिटिव केस है, ना कि सब्जेक्टिव केस। राम ड्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर द पार्टी, तो राम ने अपने आप को या खुद ने स्वयं ने अपने आप को ड्रेस्ड किया है, कपड़े पहने हैं पार्टी के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चे, जानवर या नॉन लिविंग थिंग के लिए, यहाँ पे मैंने एक नोट भी दे रखा है, देर इज अ डॉग एंड इट हैज 4 लेग्स, तो वहाँ एक डॉग है जिसके क्या है, 4 पैर हैं, तो इट एंड बना, एंड से, एंड जो है संयोजक है और दो वाक्यों को जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये इट जो यूज किया गया है डॉग के लिए यूज किया गया है। डॉग क्या है, डॉग ऐसा नहीं है कि आप जानवरों के लिए बोलोगे, डॉग मतलब होता है मेल वर्जन और बिच मतलब होता है फीमेल वर्जन, बिच के लिए भी और डॉग के लिए भी, दोनों के लिए हम लोग इट का यूज करेंगे एज ए प्रोनाउन, याद रखिएगा आप इसको। सिर्फ ह्यूमंस में जो हम लोग ही और शी का यूज करते हैं, देयर इज अ डॉग, यू कैन गिव इट अ चपाती। देखिए पहला वाला हैज के पहले लिखा हुआ था इसलिए सब्जेक्टिव केस था, और यहाँ पे गिव के बाद जो वर्ब के बाद लिखा हुआ है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। अ बेबी कैन हियर इट्स वॉइस, ये बच्चा अपने आप की आवाज सुन सकता है या खुद की आवाज सुन सकता है, खुद के लिए हम लोग इट्स का यूज करते हैं, खुद ने स्वयं के लिए भी इट्स का यूज करते हैं। दिस नेस्ट इज मेड बाय बर्ड्स इटसेल्फ, खुद ने स्वयं के लिए इटसेल्फ का यूज करते हैं, और इट्स वॉइस मतलब उसकी आवाज, तो उसकी आवाज जो था वो मैंने गलती से कुछ बोल दिया था, तो इट्स वॉइस वाला जो था वो था संबंध सूचक, और इटसेल्फ जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव नाउन। इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, नोट जो है, इट इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो, एग्जाम्पल इट इज अ टॉय, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो है इट का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल यह एक टॉय है, खिलौना है। हम लोग वे के बारे में बात करते हैं बहुवचन के लिए, दे आर प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे इन गोवा, ही गेव देम अ सुवेनियर ऑफ हिज होम टाउन, सुवेनियर मतलब होता है निशानी, दिस आर देयर टिकट्स, वी कांट यूज इट, दे हैव परचेज्ड दिस होटल बाय देमसेल्फ, दिस बुक्स हैव नो नेम बट आई नो दिस आर देयर्स। लेकिन सभी सभी वाक्यों में मैंने क्या कहा है कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, दे आर है तो आर के पहले लिखा हुआ है तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, गिव के बाद लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वर्क के बाद लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, टिकट्स के पहले लिखा हुआ टिकट्स नाउन है तो वहां पे क्या आना चाहिए, वहां पर पजेसिव या रिफ्लेक्सिव केस आना चाहिए, बाय देमसेल्फ उन्होंने स्वयं ने या स्वयं का खुद के द्वारा, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, देमसेल्फ का यूज करते हैं, देयर्स उनका एक जोड़ देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रोनाउन का ये टॉपिक खत्म होता है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप इसको शेयर करते रहेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे लाता रहूँगा। नमस्कार।